दोस्तों मैंने बैक कैमरा ऑन कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसे वीडियो को शूट करता हूँ। यहाँ पर बैठा हूँ अभी, और यहाँ पर स्टैंड है, स्टैंड में फ़ोन को रख दिया, यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी। और हमारा अभी लाइन बिजली नहीं है, अब क्या बोले, बारिश हो रहा है, बिजली गया, और ये वाला इन्वर्टर का लाइट जल रहा है। इधर खिड़की खोल दिए, इधर लाइट जला दिए, और इधर भी खिड़की खोल दिए, और यहाँ पर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। और जो दूसरा वीडियो सब होता है दोस्तों, वहाँ पर मैं यहाँ पर फ़ोन को टिका देता हूँ और यहाँ पर बैठ जाता हूँ, ज़्यादातर वीडियो मेरा यहाँ पर ही होता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चलता है कि वीडियो बनाना बहुत आसान काम है, बस फोन वीडियो को ऑन करना है और बकड़ बकड़ कर देना है, या फिर व्लॉगिंग करना बहुत आसान काम है, बस फ़ोन उठाना है और बकड़ बकड़ करते रहना है। तो बहुत सारे लोगों का ये माइंड में बैठा हुआ है, माइंडसेट है। तो उन सब का माइंडसेट आज मैं चेंज करने वाला हूँ। आज मैं विलेज के प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूँगा कि जो यूट्यूबर विलेज से बिलोंग करते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वीडियो बनाने में, वीडियो क्रिएट करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। तो दोस्तों जो लोग विलेज से हैं वो लोग मेरे इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी विलेज का ही बंदा हूँ, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव में कितनी सारी परेशानियाँ होती है वीडियो बनाने में, वो सब मैं आज दिखाने वाला हूँ। और जो लोग को मेरे वीडियो मतलब जो लोग विलेज से रिलेटेड जो लोग विलेज से हैं वो लोग मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वॉच करना। और आज सबका मैं दिमाग माइंडसेट चेंज कर दूंगा कि वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं होता विलेज में। मैं ज़्यादातर विलेज में बोलना चाहूँगा कि विलेज में वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों पहले तो मैं बता दूँ कि विलेज से जो लोग बिलोंग करते हैं, विलेज से जो लोग यूट्यूबर हैं, उनको कभी भी दोस्तों फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। जो वीडियो बनाता है या फिर मैं अपना बात में बोल रहा हूँ, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फैमिली का मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, या वीडियो बनाने का कोई अच्छा सेटअप भी नहीं है कि वीडियो बना सकूँ, और फैमिली के सामने वीडियो बनाऊँगा फैमिली वाले क्या सोचेंगे, घर पर वीडियो बना नहीं सकता, दादाजी या फिर पापा बाहर जाते हैं तब मैं ऊपर आके वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पर अभी भी वो दोनों बाहर हैं और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये दोस्तों बहुत एक तरफ से मान के चल सकते बहुत दोस्तों डिस्टर्ब होता है, मतलब बहुत बुरा लगता है, उन लोगों के सामने वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि वो लोग क्या सोचेंगे, इसका दिमाग हिल चुका है ये सोचेगा। अगर मैं बाहर जाऊँ कहीं बनाने तो दोस्तों बाहर कहाँ जाऊँ, दोस्त लोग भी सपोर्ट नहीं करता, दोस्त लोग के सामने भी क्या बोलूँगा, मतलब झिझक जाऊँगा ना, मतलब हड़बड़ा जाऊँगा दोस्त लोग के सामने, मतलब बोली ही नहीं निकलेगा दोस्त लोग के सामने। अगर मैं किसी झाड़ी वाले जंगल में कहीं पर मतलब खाली इलाके में चला जाऊँ तो भी दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई क्रॉस होगा रोड से तो सोचेगा कि ये लड़का क्या कर रहा है, फ़ोन स्टार्ट कर लिया और बकर बकर करते जा रहा है, सोचेगा इसका दिमाग हिल चुका है। ये दोस्तों बहुत कठिनाई होती है विलेज में वीडियो बनाने के लिए, विलेजर्स जो हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता और अच्छा सेटअप नहीं है, वीडियो बना नहीं सकते, वीडियो अगर किसी के सामने वीडियो बनाएं तो वो क्या सोचेंगे। सेकंड परेशानी जो है दोस्तों वो है बिजली। गांव में बिजली बहुत जाता है, आप लोगों को पता होगा जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं, कहीं थोड़ी देर हवा चल गया स्पीड से तो कट गया बिजली दो दिन के लिए, अगर ज़ोर से बारिश आ गया कट गया बिजली, ये बहुत होता है गांव में। और बिजली कट गया तो वीडियो बनाना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और हाल ही में मैंने इन्वर्टर लिया है तो इन्वर्टर का लाइट जल रहा है, ये क्योंकि अभी भी बिजली नहीं है, बारिश हो रहा है, बारिश का आवाज़ आप लोग को मिल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत प्रॉब्लम होता है, बिजली दोस्तों चला जाता है और वीडियो बनाने में बिजली मतलब लाइट का बहुत अहम भूमिका है, मान सकते हो। अंधेरे में वीडियो कैसे बनाएं, लाइट चाहिए तो ही तो वीडियो बन पाएगा अच्छा, सही बात है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों गांव में बिजली का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। और सेकंड प्रॉब्लम दोस्तों होता है कि अच्छा बैकग्राउंड ना मिलना, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना ख़राब है, और अदर वीडियो का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कितना ख़राब ही रहता है। और अभी मैं इस टाइम में जो वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका बैकग्राउंड मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से मैं वीडियो को शूट करता हूँ। और गांव से जो बिलोंग करते हैं वीडियो शूट करने में उनका बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, मैं ये भली भांति समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी विलेज से ही बिलोंग करता हूँ। अभी मैं अपना चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, मैंने बैक कैमरा ऑन कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसे वीडियो को शूट करता हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ अभी,
और यहाँ पर स्टैंड है, स्टैंड में फ़ोन को रख दिया, यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी। और हमारा अभी लाइन बिजली नहीं है, अब क्या बोले, बारिश हो रहा है, बिजली गया और ये वाला इन्वर्टर का लाइट जल रहा है। इधर खिड़की खोल दिए, इधर लाइट जला दिए और इधर भी खिड़की खोल दिए और यहाँ पर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। और जो दूसरा वीडियो सब होता है दोस्तों, वहाँ पर मैं यहाँ पर फ़ोन को टिका देता हूँ और यहाँ पर बैठ जाता हूँ, ज़्यादातर वीडियो मेरा यहाँ पर ही होता है। एंड दोस्तों, मैंने दिखाया अपना चीज़, और इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं खिड़की के सामने वीडियो तो बना लेता हूँ, लेकिन नीचे से कोई क्रॉस होता है तो क्या सोचता है, ये बहुत बुरा लगता है। मैं ये भली बातें समझ सकता हूँ आपका प्रॉब्लम, क्योंकि मैं अभी ये फेस करता हूँ, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम, सॉरी थर्ड प्रॉब्लम दोस्तों, ये होता है कि विलेज से जो लोग बिलोंग करते हैं, फ़ोन में दोस्तों रिचार्ज करवाते हैं, डाटा दोस्तों बहुत कम मिलता है, कम का रिचार्ज करवाते हैं, 1 GB या 1.5 GB डाटा मिलता है, उसी में दोस्तों वीडियो अपलोड करना बहुत दिक्कत का काम हो जाता है। क्योंकि आपने 5 मिनट का वीडियो बनाया, आप अगर 1080 मतलब 1080 में अगर आप क्वालिटी में वीडियो अपलोड करोगे तो अच्छा होगा, बेटर रहेगा आपके वीडियो के लिए, लेकिन 1080 में अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो 700-800 MB चला जाएगा, और 360 या फिर 480 में बहुत मतलब ख़राब होता है वीडियो। तो 1080 में आप करोगे तो 700-800 MB आपका चला गया 1 GB में से, तो आपका पूरा दिन बर्बाद। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। खैर अभी छोड़िए, आप तो 5G आ चुका है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है कि ज़्यादा MB का वीडियो भी नहीं अपलोड कर सकता और कम MB का भी नहीं कर सकता, क्योंकि कम MB में वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा करूँगा तो मेरा डेटा चला जाएगा। दोस्तों बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है यहाँ पर विलेज में। और एक बात दोस्तों, मतलब अभी मैं घर के अंदर हूँ, अभी दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क आएगा लेकिन घर के अभी यहाँ अंदर नहीं है रहता है, अभी मैं ज़रा चौखट से बाहर जाऊँगा तो फुल नेटवर्क रहेगा, अभी रूम के अंदर नेटवर्क ज़रा सा भी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम होता है दोस्तों वीडियो बनाने में, इतना आसान मत समझिए, अपने थॉट को चेंज कीजिए। और दोस्तों बात रही व्लॉगिंग की, तो व्लॉग में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, व्लॉगिंग में सिर्फ फ़ोन को उठा के बक देना नहीं होता, व्लॉगिंग में भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। दोस्तों व्लॉगिंग में मैं ज़्यादा मैटर करता है बोलना, आपका बोलने का ढंग, और बहुत लोगों का बोलने का ढंग अच्छा नहीं होता या फिर बोल नहीं पाते, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बोल तो लेते हैं, ऐसे तो सोच लेते हैं कि मैं ये बोलूँगा, लेकिन जब कैमरा ओपन करते कैमरे के सामने बोल ही नहीं निकलता, ये मेरे साथ भी भली भांति होता है। और अगर कोई सामने रहा उसके साथ तो फिर बहुत कठिन हो जाता है व्लॉग को बनाना, ये लोग बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात से, अगर मेरे पास में कोई बैठा है तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाऊँगा, मैं बोल ही नहीं पाऊँगा खुल के। या फिर मैं सोचता था कि अगर मैं किसी जगह मैं अगर कहीं जगह पर पैक हो जाऊँ पूरी अच्छी तरीके से तो मैं वीडियो बना पाऊँगा। सो दोस्तों ये सब बहुत कठिनाइयाँ होती है, ऐसा मत सोचिए कि वीडियो बनाना बहुत आसान काम है। विलेज के प्रॉब्लम में तो मैंने बता दिया, और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम होंगे, लेकिन दोस्तों अगर मैंने किसी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं किया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बता देना। एंड दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होता है विलेज में वीडियो बनाने के लिए, ऐसा मत सोचिए कि विलेज में प्रॉब्लम नहीं होता, एंड शहर वालों में उतना प्रॉब्लम शायद नहीं होता, शायद से मैं उतना नहीं डीपली नहीं बोल रहा हूँ, शायद से प्रॉब्लम नहीं होता होगा, लेकिन विलेज में बहुत कठिनाइयाँ होती है। अभी दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के लिए भी माइक चाहिए होता है, और बहुत सारे लोग गरीब होते हैं जो लोग माइक मतलब परचेस नहीं कर पाते, उनका वीडियो बनाने में कितना दिक्कत होता है। अब मैं माइक लगाए फ़ैन ऑन नहीं कर सकता, गर्मी में बैठा हूँ, क्योंकि फ़ैन ऑन करूँगा तो एको आएगा फैन का। तो दोस्तों बहुत कठिनाई होती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा। एंड दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, एंड कुछ प्रॉब्लम मैंने अगर मतलब नहीं बताया, नहीं पिक किया इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर सूचित कर देना। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।